स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो कार्मिक कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी, आज हम बात करेंगे राहु केतु के विषय में। राहु केतु जब हमारे नाइन प्लैनेट्स में कोई स्थान नहीं रखते, राहु केतु को साइंस नहीं मानता, तो आखिर ज्योतिष क्यों राहु केतु का नाम लेके इतना डराते हैं और राहु केतु के बारे में इतनी चर्चा होती है। सबसे अधिक अगर कुंडली में किसी ग्रह की चर्चा होती है तो वो है राहु केतु की। राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, राहु की महादशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु भारी है, राहु भारी है, ये सोच सोच के लोग डर जाते हैं। और फिर जब इसे साइंटिफिक रूप से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि राहु केतु कोई ग्रह ही नहीं है। तो फिर ग्रह नहीं है तो इनकी ज्योतिष में इतना योगदान क्या है और ज्योतिष में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। राहु केतु वास्तव में एक छाया ग्रह है। ये वास्तव में क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पृथ्वी जब परिक्रमा करती है, जब परिभ्रमण पथ पर चल रही होती है, तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर एक छाया बनती है। वो छाया ग्रह जो होती है उसी को राहु और केतु ज्योतिष में माना गया है। और इसका महत्वपूर्ण योगदान जो है वो ये होता है कि जब राहु और केतु की दशाएं आती हैं तब जातक को कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छाया ग्रह हैं फिर भी इनका इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें। ठीक है, ये छाया ग्रह हैं, ये उस नाइन प्लैनेट्स में नहीं आते हैं जो सूर्य के सौर मंडल में माने जाते हैं, लेकिन ये छाया ग्रह होके भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इनका हमारे जीवन में योगदान है जैसे उसी तरह से जिस तरह से हमारी अपनी परछाई का होता है। हमारी परछाई वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, ये रोशनी में दिखती है, लेकिन इसका अपना योगदान है, परछाई का अपना अस्तित्व है। उसी तरह से इन ग्रहों का भी अपना अस्तित्व है। राहु जब बेकार होते हैं, राहु जब अशुभ प्रभाव में होते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी में हमें आलसी बनाते हैं, हमें हड्डियों की बीमारी देते हैं, हमें परेशानियाँ देते हैं, हमें धन के बारे में बहुत दिक्कत होती है और हमारे हर काम रुकते रुकते बनते बनते रुक जाते हैं। जब राहु शुभ होते हैं तब क्या परिणाम देते हैं, तब हम अचानक से बहुत अच्छा करते हैं, हमारा बहुत नाम होता है, बहुत प्रसिद्धि होती है। और राहु की दशा ही अंतरदशा में, राहु जबकि जब महादशा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन की सभी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उसकी शादी विवाह बच्चे सब कुछ उसी दशा में होते हैं। यानी राहु अगर शुभ है तो आपको हड्डियों की समस्याएं नहीं होंगी, आप मजबूत कदकाठी के होंगे, आपको किसी तरह की हड्डी कमर जोड़ घुटने इसकी समस्याएं नहीं होंगी। और अगर राहु बुरे हैं तो आपको इस समस्याओं से पीड़ित होंगे। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तब भी आप इन दशाओं से इन बातों से आप ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में राहु अच्छा है कि राहु बुरा है। अब हम बात करते हैं केतु की। जब केतु खराब होते हैं तब हमें किस तरह की समस्याएं आती हैं। जब केतु खराब होते हैं तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, मन कहीं नहीं लगता है, बेचैनी होती है और हर समस्या जो है हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। समाधान निकालने से ज़्यादा हम उसे भागने में यकीन रखते हैं। जब केतु अच्छे होते हैं तो हम बहुत साहसिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, मोक्ष प्राप्ति की तरफ प्रयास करते हैं और हमारा जो क्रियाकलाप होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम सुबह उठते हैं, अपना मन प्रसन्न रखते हैं, हंसमुख होते हैं। तो इस तरह का अगर आपका स्वभाव है तो आपका केतु शुभ है, अगर आपका स्वभाव उसके विपरीत है तो आपका केतु खराब है। जब राहु खराब होता है तो उसका क्या उपाय है, आप ओम राम राहुवे नमः का जाप करें। जब केतु खराब हो तो आप कुत्ते को रोटी दें और ध्यान रखें। आप सबसे पहले रोटी जब बनाते हैं तो कुत्ते के लिए रोटी खाने से पहले एक रोटी उसके लिए निकाल दें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। इसी तरह से हम आपको राहु केतु के अलावा अन्य ग्रहों के पाप प्रभावों के बारे में और उनके उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन राहु केतु के बारे में हम आपको एक बात और बताना जरूरी समझते हैं। कुंडली में राहु और केतु को लेके काल सर्प दोष नाम की भी एक चर्चा की जाती है। वास्तव में हमारे जो किताबें हैं, जो हमारे जिनसे हमने ज्योतिष को लिया है, जिससे हम ज्योतिष पढ़ते हैं, उनमें काल सर्प दोष की चर्चा नहीं है, ये बाद में बनाई गई। तो ये मत समझिए कि ये बनाई गई सिर्फ लोगों को ठगने के लिए। एक्चुअल में काल सर्प दोष इसलिए भी बनाई गई क्योंकि काल सर्प दोष के जो ये प्रभाव होता है, इसको नाम दे दिया गया काल सर्प दोष, लेकिन राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आते हैं तो वास्तव में व्यक्ति के जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस दोष की रचना की गई। ठीक है, ये पहले नहीं थे, इसे बाद के ज्योतिषों ने किया, लेकिन इसका भी प्रभाव होता है। चलिए अब हम अगले उसमें वीडियो में आपको अगली कुंडली और अगली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।